उठ तो मैं सुबह 5 बजे गया था, लेकिन मैं सुबह व्लॉग नहीं कर पाते क्योंकि जैसे ही मैं उठा वैसे ही मैंने जो आप लोग ने मेरा पिछला वीडियो देखा उसे मैंने अपलोड के लिए डाल दिया, और मैं पूरा दिन कुछ नहीं किया, और मुझे इसलिए ये व्लॉग जो है लेट स्टार्ट करना पड़ा। और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मिस्टर मीम इज़ हियर, ये इंसान खुद एक मीम है लिटरली, क्योंकि इसकी हरकतें जो है वो खुद ही एक मीम जैसी है। यानी आप इसके ऊपर भर भर के मीम्स बना सकते हो, और मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि बनाओ मीम्स अगर फैन बना सकते हो तो। हाँ पंखा रुक जा, ये व्लॉग कर रहा हूँ ना तो इसलिए नॉइस मतलब आवाज़ का जो डिस्टॉर्शन है वो ना हो, इसलिए मैं पंखा बंद करके करता हूँ। वो तेरे को झेलना ही पड़ेगा सामना आ थोड़े टाइम के बाय। लिए। क्या अभी क्या व्लॉग शुरू नहीं हुआ तो एंड थोड़ी करूँगा मैं। एवरीवन आई एम आदित्य शिर्के, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस व्लॉग्स। जा तेरे लिए फैन ऑन कर दे। तो मिस्टर मीम क्या ख्याल है क्या अभी क्या करना है? कुछ मैंने अभी अभी जस्ट बोला कि ये इंसान खुद ही एक मीम है, और जैसे ही मैंने वो शॉट लिया और मैंने जब उसको बंद कर दिया तभी इसने मुझे बोला कि ज़रा क्लिप को देख। तो मैंने देखा, और देखा तो मैंने जो देखा उसे मैंने आप लोग को जूम करके बता तो दिया है, वो एडिटिंग में मैंने कर दिया उसको जूम। मैंने बोला था ना मीम है ये, खुद ही एक मीम है, आप लोग बनाओ मीम्स अभी। अगर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है ना तो बिंदास मीम बनाओ, और मुझे टैग करना मत भूलना, और हैशटैग भी यूज़ करो एस बीम्स, एस पे मीम्स, ये यहाँ पर मैं लिख दूंगा हैशटैग, तो आप वो यूज़ करना ताकि मुझे आपका मीम जो है वो मिल जाए। अभी लगता है वापस ये कुछ कर रहा था, अब मैं जब क्लिप देखूंगा तब मुझे पता चलेगा। बस ये मुझे लगता है कि मुझे कैमरा है ना शुरू ही रखना चाहिए, क्योंकि अगर मैं बंद करूँगा ना तो ये और कुछ ऐसी हरकतें करेगा जो कैप्चर करने लायक होंगी। अरे यार पंखा, वैसे फ़ैन ऑन करने के लिए कुछ दिक्कत तो नहीं है, लेकिन जो जब पंखा ऐसे घूमता है और जब वो ऐसे हवा को काटता है उस टाइम पर आवाज़ आता है, और अगर मैं फ़ैन को स्लो रखूँ तो उतना आवाज़ ना आए। अच्छा इसको फ़ैन फुल चाहिए, इतना अच्छा मौसम है मुंबई में, देखो अच्छा नहीं लग रहा है। कल रात को 22 डिग्री सेल्सियस हो गया था बस मुंबई में, और बस क्या, मुंबई के लिए तो बहुत अच्छा है भाई, मुंबई में 34 वगैरह रहता है, तो 22 डिग्री सेल्सियस अच्छा है मुंबई के लिए, मेरे लिए तो एटलीस्ट अच्छा है। मुंबई में मैं ठंडी झेल सकता हूँ लेकिन मैं गर्मी ज़रा भी नहीं झेल सकता। कि मैंने आप लोग को अपने पिछले वाले व्लॉग में बोला कि मुझे जो है डेली व्लॉग लाइक करना शुरू, जैसे कि मैंने आप लोग को बोला कि मुझे कब जो है बोला पिछले व्लॉग में बोला, कब पिछले व्लॉग में बोला मैंने। बोला था हाँ व्लॉग देखा नहीं क्या? देखा तो ये होना ऑन सीक्रेट हुआ था इतना कौन सा है बे तेरा क्या बोलते हैं कॉन्फिडेंशियल काम? ब्लॉग करना तू मतलब कंटेंट के लिए ब्लॉगर ना सच्ची में कंटेंट के लिए किधर भी साले हमारे कूदेंगे अभी कंटेंट ऐसा मेरे बाजू में बैठा है तो मेरे को कहीं जाने की ज़रूरत क्या है? तू और तन्मय भट्ट एक ही है। मैं और तन्मय भट्ट, तन्मय भट्ट कहाँ पर, मैं कहाँ पर? वो भी किधर भी ब्लॉग करना शुरू हो जाता ना हाँ वो कोई मरवा भी रहेगा है। ना। सो गाइस इधर मैं हूँ, इधर आज मेरे कोई तो मरे हैं तन्मय भट्ट की बात कर रहे हैं, मेरी नहीं। तो वो ऐसा लोग डायरी लिखेंगे ना कुछ बोलूँ। फेवरेट है मेरा तन्मय भट्ट। हाँ तन्मय भट्ट फेवरेट है, बहुत एंटरटेन करता है। उसके उसके सामने और कोई व्लॉगर आई थिंक उतना एंटरटेन नहीं करता, लाइक वो बहुत ही ह्यूमरस है। कुछ नहीं तो मेरे को क्यों दिखा रहा है बार बार। क्योंकि तू कंटेंट है। अरे तो एक काम कर, तेरा यूट्यूब चैनल मेरे नाम से बदल दे, जब पैसा वैसा आने लगे हमको दे दे। मैं ऐसा क्यों करूँगा, मेरा यूट्यूब चैनल मैं व्लॉग करता हूँ, हाँ तेरे नाम हाँ पे क्यों कर दूँ मैं यूट्यूब चैनल? 50-50
50-50। अभी अभी तू मेरे लिए काम तो करता है, कंटेंट कंटेंट बोल रहा हूँ, कमेंट मॉडरेटर तो यही है। कमेंट देखता है, अभी कमेंट आते नहीं है तो आप लोग कमेंट करते नहीं हो तो ये कमेंट कैसे देखेगा। लेकिन हाँ है, ये कमेंट मॉडरेटर है, जो भी आप कमेंट्स करते हो वो ये देखता है। मैं नहीं देखता, मतलब मैं देखता हूँ क्योंकि मैं ही हार्ट देता हूँ ऑब्वियसली। मुझे भी देखना रहता है कमेंट्स, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कमेंट से। भाई तुम हमें बार बार कहा दिखा रहा ना ब्लॉग अपना। मैं कह रहा था कि मैंने जो है आप लोगों को बोला था अपने पिछले व्लॉग में कि मुझे जो है डेली व्लॉगिंग ट्रैक करनी है, मुझे मुझे बनना है एक डेली व्लॉगर जो रोज़ उठते ही व्लॉगिंग करना शुरू कर देता है। लाइक वही तो लाइफस्टाइल है ना, मैं अपनी लाइफस्टाइल दिखाऊं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, वही मेरे लाइफ में क्या हो रहा है, ये सब यही तो लाइफस्टाइल का एक पार्ट रहता है। तो इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं कंसिस्टेंट हो जाऊँ और मैं रोज़ आप लोग के लिए वीडियोज़ लाऊँ। मैं उसके लिए तो मेरे को रोज़ व्लॉग करना पड़ेगा, जैसे ही मैं एक व्लॉग ख़त्म करूँगा वैसे ही मुझे थोड़ी सी रेस्ट लेकर, यानी कि रात में सोकर सुबह जल्दी उठकर व्लॉग करना शुरू करना पड़ेगा। और उसके लिए मुझे जो है मैं लेट स्टार्ट करूँ, लेकिन मैं स्टार्ट करूँ और रोज़ मैं दिन में व्लॉग करूँ, दिन में या शाम में जो भी है, पर रात में मैं अच्छी नींद लेके सुबह उठ के जो है नया व्लॉग शुरुआत करूँ, नए व्लॉग की शुरुआत करूँ। ऐसा होना चाहिए और होने के लिए डेडिकेशन चाहिए, और डेडिकेशन होने के लिए आप लोग का सपोर्ट और आप लोग से मोटिवेशन चाहिए। आप लोग मोटिवेट कैसे कर सकते हो, सब्सक्राइब करके, नीचे कमेंट करके कि मेरा काम अप्रिशिएट करके, कुछ भी अप्रिशिएट कर सकते हो जो भी आप लोग को अच्छा लगता है। अगर कुछ अच्छा नहीं लगता तो आप वो भी बता सकते हो, यू आर फ्री टू से एनीथिंग यू वांट। मैं आप लोग को ज़रूर आंसर करूँगा। अब मेरे इतने मिलियंस ऑफ ऐसे सब्सक्राइबर्स भी नहीं है कि मैं आप लोग को आंसर ना करूँ, मैं आप लोग को एटीट्यूड दिखाऊँ, तो आपके हर एक कमेंट का मैं आंसर करूँगा। तो इसलिए आप लोग मेरे से बात कर सकते हो। देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि हर एक यूट्यूबर जिसके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स है वो एटीट्यूड दिखाता है कुछ यूट्यूबर्स जो अभी भी जो है अपने सब्सक्राइबर्स से कनेक्ट बनाना चाहते हैं, हर एक सब्सक्राइबर को मिलना चाहते हैं, हर एक सब्सक्राइबर से बात करना चाहते हैं, और सच्ची में मतलब है उनको अटैचमेंट अपने सब्सक्राइबर्स से, उन्हें वैल्यू है अपने सब्सक्राइबर्स की। बस इतना कि इतने सारे सब्सक्राइबर्स होने की वजह से और इतने सारे लोग उन्हें अप्रोच करने की कोशिश करने की वजह से वो लोग कुछ लोगों को रिप्लाई नहीं कर पाते, और वो उसमें उनकी भी गलती नहीं है। लेकिन हम जो है नए क्रिएटर्स, उन्हें मौका मिलता है कि हम एक अपने सब्सक्राइबर्स से एक कनेक्ट बना पाए, उनसे बातें कर पाए। तो आई थिंक कोई भी ऐसा नया क्रिएटर हो उसे ऐसे किसी के कमेंट को या फिर अपने सब्सक्राइबर को इग्नोर नहीं करना चाहिए, और आई थिंक इससे ही जो है अपने ऑडियंस से एक अच्छा कनेक्ट बन जाता है। अरे गाना बन सकता है अगर टोनी टुक्कर देखेगा ना, ये देखो बोलते हुए तो बोलेगा फायर मारेगा, फायर मारेगा साउंड ट्रैक ऐसा कुछ रखेगा। सच्ची
दम 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 क्या है ये हुआ ये कि कल जो है क्रिश बहुत ही अच्छे मूड में था और इसलिए वो आने के बाद से ही ऐसी हरकतें कर रहा था और अच्छे मूड में होने की वजह से उसने अपना चेहरा कैमरा के सामने छुपाया भी नहीं और इसीलिए मैंने सोचा कि चलो उसे ऐसे बिना बताए ऐसे रिकॉर्ड करते हुए ऐसे ही बैठ गया था और मुझे 1000 बार उसने पूछा कि भाई कैमरा ऑन है क्या, कैमरा ऑन है क्या, लेकिन मैंने बोला नहीं कैमरा ऑन नहीं है, लेकिन ट्राइपॉड पर मैंने इसको लगाते रखा था और कैमरा ऑन था और मैंने इसको रिकॉर्ड किया और मैंने लिटरली 23 मिनट्स का क्लिप रिकॉर्ड किया और वो 23 मिनट्स का क्लिप एडिट करके ये व्लॉग बन गया है। सोच सकते हो एडिटिंग का काम एक दो घंटे का होता है, ठीक है, और इस एक दो घंटे में आपका क्रिएटर इतनी लंबी लंबी क्लिप्स देखते हैं, कभी कभी तो आधे घंटे के भी ऊपर के क्लिप्स हम इम्पोर्ट कर लेते हैं और इसे हमको एडिट करना पड़ता है। तो यार इतने मेहनत करते हो तो आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो यार, सब्सक्राइब करो। और हाँ मुझे पता है आप लोग को ये व्लॉग पसंद आया ही होगा, नहीं पसंद आया ही होगा बिकॉज इतनी ऐसे क्या बोल सकते हो अजीब हरकतें करता है मेरा ये बेस्ट फ्रेंड, तो आप लोग को वो देख के मज़ा आया ही होगा, मेरे को भी ये व्लॉग एडिट करने में मज़ा आया, हंसी आई। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हो अगर नहीं पसंद आया, फिर भी अगर आपके अंदर ह्यूमर ज़रा भी नहीं है तो आप लोग इसको डिसलाइक भी कर सकते हो या अगर आप मेरे हेटर हो तो। और हाँ हमेशा की तरह सब्सक्राइब कर लो अगर पहली बार देख रहे हो या फिर मेरे चैनल पर नए आए हो, और मैं मिलता हूँ आप लोग को अपने आने वाले वीडियोज़ में, तब तक के लिए सायोनारा बाय।